ਕੋਲਖਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਯਾਰ ਹਮ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਹਤੀ ਮਾਇਉਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋ ਆਖੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਲਾ ਕੋਲਖਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੋਣ ਜੁਲੂ ਮਾਇ ਬਰਾਦਰ ਸਭੋ ਕੀ ਦੱਸ ਅਮਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਹੈ ਗਏ ਕਹੀਂ ਪਾਸੇ

पिछला प्रोग्राम मैंने एक यार किया था एक बुज़ुर्ग गुम हुआ है मैंने देखा है दूसरे दिन दस हज़ार लोग देख चुके थे लेकिन तकरीबन पाँच सौ लोगों ने शेयर किया था अगर दस हज़ार में से पाँच हज़ार शेयर कर देते तो कितना लोगों के पास वीडियो पहुँच जाती इस पर कितना ख़र्च आता है ये एक छोटी सी नेकी होती है ये तो कमा लिया करें मैं वही बात दोहराऊँगा कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है नाजरीन अल्लाह की रज़ा मानते हुए इंसान सब्र कर लेता है अपने दिल पर हाथ रख लेता है बर्दाश्त आ ही जाती है लेकिन जिसका पता ही ना हो कि ये बच्चे कहाँ पे होंगे किस हाल में होंगे खाना खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे कैसे सोते होंगे कैसे जागते होंगे जैसे ही ये ख़याल वालदेन को आता होगा मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनके दिल के साथ क्या गुज़रती बसमिल्लर रहीम असल नाजरीन मैं हूँ आपका होस्ट फ़िज़ हुसैन और आप देख रहे हैं जैन टी वी इज़ द बेस्ट नाजरीन तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़, थाना बेट मीर हज़ार की हदूद है माओज़ा बेट मीर हज़ार नाजरीन आज एक और दर्द आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक वालद मेरे साथ मौजूद है और वालदा भी मौजूद है नाजरीन इनके दो बच्चे मदरसे की तरफ जा रहे थे एक माह हो गया है बच्चे गुम हैं अब मुझे वो वालदेन देख रहे हैं जो बच्चों वाले हैं नाजरीन वालदेन पर क्या गुजर रही होगी जिनके हंसते खेलते बच्चे घर से गए और आज तक वापस ना आए बात करते हैं कि बच्चे कैसे गम हुए असल वालेकाम जनाब ना क्या है तोरा मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद यूसुफ ऐसा कड़े इलाके खड़े से बेट मीर हज़ार बेट मीर हजार तुरे बाल चौखे अर से किम में ਮਹੀਨਾ ਦੀਵਣਾ ਲੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕਿਦਮ ਸੇ 1.5 ਸਾਲ થી ਗਏ ਮੜੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਦੇ ਪੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਤੋਂ ਹੀ ਕੋ ਨੂੰ ਪਚਾਦੋ ਮੜੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉਤੇ ਹਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਕਸਦ ਰਮਾਨਾ ਬਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੇਕ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਪੜਦੇ ਪਿਆ 1.5 ਸਾਲ થી ਗਏ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਨੇ ਨੇ ਜਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ 12-11 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਫਰਮਾਨ ਛੋਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਐਹਸਾਨ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਐਹਸਾਨ ਬਰਾਹਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਵੇ ਬਰਾਹੂ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਨ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਨ ਉਥੇ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਖੜਿਆਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵੰਦੇ ਆਸੇ ਘਰ ਆਵੰਦੇ ਆਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਮ ਘਰ ਆਂਦੇ ਚੁੱਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਡੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਰਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆਣ ਪਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਆਣ ਪਏ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਮਦਰਸੇ ਚੋਂ ਘਰ ਆਣ असां छुटी कराई आहे उस्ताद ऐं जुमा राति मक़सदु छुटी की थी असां इतो आइतवार मक़सदु साढे ॾह बजे बेट मीर हज़ार चौक ते उते माए वी नाल हुन भई बि मोटर साइकिल ते चाह ते पहुचाएसि माए ओहिड़ो हिकु दुकान ते बाए थिया भई तूं उनजे आखियां माए हिन को चढ़ाई आहे उहो मीर हज़ार चौक ते लॻे हे कहीस आहे हूंदे उते चढ़िजो ऐं भला लाहेड़नि असां पहिरीं ॿई ते वेसू भई को आखियुनि तूं वापसि जा इहे कुलखानी टाइम आहे यारहं वजे त

ਡੇਢ ਸਾਲ ਗਨਵੰਦ ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿੰਜ ਵੇਲੇ ਉਥਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਠ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੇ ਮਸੀ ਪਰ ਹਿਫਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਟੀ ਘੜੂ ਜੇ ਰਹੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ हूं बंद का शुक्रिया करे सुन जे बंद की निकाह आ सरे सारी जिंदगी शुक्र गुजार सों तो आगे ओ तो उस्ताद तो 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 उस ना रब उस्ताद की खैर खड़ी उस्तादा मेरी सास फौज थी तरह ऐं इतना मंदर से बाल को पाई असलो करवाणन उन्हें बा मंदर से को नहीं शाद बात शाद ना उनको फोन चुकी थे बाल इतना कानी सारी रात में गुजरी इलाका भज भज खू कहीं बंद तो नहीं गए पचास से गए हिंसा बोलती खुश्बो नहीं पाती कहीं पासो भी रिश्तेदार असला मकसद सग दोस आखिर तस्वीर पियां नेट चाड़ो नेट सातग चाड़िया था रात बजे मकसद फोन आओ रप कटो

सारी ज़िंदगी नाजरीन ये एक बाप की फरियाद आप तक पहुँच रही है कोशिश करें अपने गिरद गर्द नवाह में देखें अपनी इर्द गिर्द की बस्तियों में देखें शहर में देखें जो जो लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चेक करें मासूम बच्चे घर से गए हुए हैं मैं वही बात दोहराऊँगा कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है नाजरीन अल्लाह की रज़ा मानते हुए इंसान सब्र कर लेता है अपने दिल पर हाथ रख लेता है बर्दाश्त आ ही जाती है लेकिन जिसका पता ही ना हो कि ये बच्चे कहाँ पे होंगे किस हाल में होंगे खाना खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे कैसे सोते होंगे कैसे जागते होंगे जैसे ही ये ख्याल वालदेन को आता होगा मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनके दिल के साथ क्या गुजरती होगी मेरे बालपन तरीक में रवाना कित खुशी खुशी ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਗੇ ਹਨ ਕੋਈ ਲੜੀਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਥਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੜੀਆ ਛੜਿਆ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਗੈਨ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਵੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਹੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੋ ਕੀ ਦੱਸ ਅਮਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਹੀਂ ਪਾਸੇ

इसको जितना सुनते जाएंगे दिल फट जाएगा अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इनके प्यारे घर में लौट आएँ और आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों तक पहुँच जाए ये प्रोग्राम बच्चे अगर ख़ुद कहीं पर देख लें वो रा करें नंबर स्क्रीन पर नाजरीन चल रहा है बच्चों की तस्वीरें स्क्रीन पर मौजूद हैं ये बच्चों को ट्रेस करने में मदद करें और पुलिस के जो आला अफसरान मुझे देख रहे हैं खुदा आप भी कोशिश करें तमाम थानों में अगर ये बात करेंगे डी पी ओ मुजफ्फरगढ़ साहब आप नोटस लें इस बात का एक बच्चा नहीं गया दो खूबसूरत बच्चे इस घर से गुम हैं एक जानवर किसी घर से गुम हो जाता है नाजरीन उनको भी चैन नहीं आता कोई मुर्गी का बच्चा गुम हो जाए घर वाले परेशान होते हैं दो जीते जी इंसान दो मासूम बच्चे क्या कहूँ मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग तावन करेंगे बच्चों को ढूंढने में मदद करेंगे ये बुज़ुर्ग वालद हाथ बांधे हुए हैं नाज़रीन इन बंधे हुए हाथ हाथों को देखें तावन करें और अल्लाह करे दुआ भी करें कि ये बच्चे जल्द इस घर में पहुँचाएँ ताकि दोबारा मैं आप लोगों को न्यूज़ दूँ ख़बर दूँ कि वह बच्चे घर में आ गए हैं और इस घर की खुशी वापस आ गई है नाजरीन इजाज़त चाहता हूँ फिर किसी प्रोग्राम के साथ मिलते हैं अल्लाह हाफिज़